हे एवरीवन, दिस इज रिम्पी, वेलकम टू एस्पिरेशन क्राफ्ट्स। सो मेरे रिसेंट वीडियोस पर काफ़ी कमेंट्स थे हॉलीडेज होमवर्क प्रोजेक्ट एंड मॉडल को लेकर, एंड जिनमें एक मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो थी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से कुछ बनाना DIY। सो जैसे कि आप सब देख ही सकते हो, मैंने वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके ये एक ब्यूटीफुल सी साइकिल बनाई है जिसे हम एज अ पेन होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले आपको इकट्ठा करने हैं वो वेस्ट मटेरियल जो भी आपके पास अवेलेबल हो। जैसे मेरे पास ये पुरानी कुछ स्ट्रॉ बची थी जो मैंने अपने लास्ट DIYs में यूज़ की हुई थी। एक ये प्लास्टिक बॉटल, न्यूज़पेपर सबके घर में अवेलेबल होता है, और ये आइसक्रीम स्टिक्स पड़ी थी। सो हमें इन्हीं वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके कुछ बेस्ट बनाना है। सो सबसे पहले पेन होल्डर बनाने के लिए मैं यहाँ पर मार्किंग कर लूँगी। मार्किंग करने के बाद इसको हम कटर की हेल्प से कट कर लेंगे, एंड जिसके लिए आपको किसी बड़े की ही हेल्प लेनी है, घर में खुद से कट नहीं करना है। कहीं आप खुद को हर्ट ना कर लो, तो किसी बड़े की हेल्प जरूर लेना घर में। एंड ये हो जाने के बाद हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, हमारे पास ये कुछ पेपर स्ट्रॉज हैं, इन्हें यूज़ करेंगे जो मैंने अपने कुछ लास्ट DIYs में यूज़ की हुई हैं। तो इन्हीं को ही मैं रीयूज़ कर रही हूँ, उसमें से मैंने निकाल ली हैं, एंड अब इसको मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। सो अगर आपको ये पेपर स्ट्रॉज ना मिले तो आप प्लास्टिक वाली स्ट्रॉज भी यूज़ कर सकते हो, वो तो इजीली अवेलेबल होती हैं। प्लास्टिक स्ट्रॉज में आपको ऐसे पैटर्न्स नहीं मिलेंगे जैसे पेपर स्ट्रॉज में अवेलेबल होते हैं, बट हाँ आपको डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी पेस्ट कर सकते हो। फिर हमें चाहिए न्यूज़पेपर, एंड न्यूज़पेपर को हम ऐसे कट कर लेंगे, एंड उसके बाद हमें बनाने हैं ऐसे रोल कुछ स्टिक्स। एंड ये बनाना भी काफ़ी सिंपल है, जैसे कि आप वीडियो में देख ही सकते हो। बस मैंने पेन की हेल्प से इसको रोल कर लिया है एंड फेविकोल से पेस्ट कर दिया है। सो ऐसे ही हम थोड़े से बना लेंगे स्टिक्स जिनसे हम टायर बनाएंगे अपनी साइकिल के लिए। सो इनको मैं पहले ऐसे फ्लैटन कर लूँगी हैंड से, एंड फिर इनको 1 by 1 हम रोल करते जाएंगे सो दैट हमें बड़े से व्हील्स मिल जाएं हमारी साइकिल के लिए। सो जिसके लिए मैं यहाँ पर प्लास्टिक बॉटल का बचा हुआ जो पार्ट था उसी पे ही इसको राउंड करके मैं पेस्ट कर दूँगी सो दैट हमें ये एक व्हील शेप मिल जाए। सो यहाँ पर मैंने एक व्हील बनाने के लिए 3 न्यूज़पेपर स्टिक्स का यूज़ किया है। सो आपको जितनी थिकनेस चाहिए आप उस अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो इनको हम पेस्ट कर देंगे, एंड ईजिली जब ये ड्राई हो जाएगा तो रिमूव भी हो जाएगा। सो ऐसे ही हमें 3 बनाने हैं, एंड जब ये 3 रेडी हो जाएंगे इनको हम अच्छे से ड्राई होना रख देंगे। एंड टिल देन हमें चाहिए हमारी स्ट्रॉ, एंड इससे हम बनाएंगे इसका बीच वाला पार्ट जिससे हमें जो इसके व्हील्स के क्या बोलेंगे उनको बाकी के जो पार्ट्स हैं उनको हमें ज्वाइन करना है। सो ऐसे ही हमें 3 राउंड्स बनाने हैं जो कि हमारे व्हील्स के बीच में पेस्ट करेंगे। फिर मैंने पेपर स्ट्रॉज को कट कर लिया है अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ माय व्हील, एंड इनको इसी तरीके से इन सारे में पेस्ट कर देंगे, एंड फिर इस पर ग्लूगन की हेल्प से बीच में इसको लगा देंगे व्हील के बीच में। एंड यस गाइज, मेरा एक सेकंड चैनल भी है दैट इज रिम्पी गॉड, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको प्रोजेक्ट मॉडल स्कूल क्राफ्ट से हटकर कुछ DIYs देखना पसंद है तो प्लीज़ विजिट माय न्यू चैनल एज वेल एंड सब्सक्राइब देयर एज वेल। सो जैसे ही हमारे ये 3 व्हील्स बन जाएंगे फिर हमें करना है इसका जो न्यूज़पेपर वाला पार्ट है इसको कवर करने के लिए पेंट। एंड गलती मुझसे ये हुई, जब आप बनाओगे ना इसको तो जो न्यूज़पेपर वाला पार्ट है व्हील्स एंड ये बीच वाला राउंड इसको आप पहले ही पेंट कर लेना, बाद में पेंट करने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई। बिकॉज जो मैंने स्ट्रॉ यूज़ की हैं इन पर पैटर्न बना हुआ है, इसको मैं कवर करना नहीं चाहती थी, इस वजह से इसको पेंट करने में काफ़ी टाइम लगा एंड काफ़ी प्रॉब्लम भी हुई। एनीवेज, जब आप बनाओगे तो इस बात का ध्यान रखना, पहले ही न्यूज़पेपर वाले पार्ट को पेंट से कलर कर देना। एंड जब हमारे सारे के सारे पार्ट्स रेडी हो जाएंगे तो 1 by 1 इन सबको हम असेंबल करते जाएंगे। जिसके लिए सबसे पहले एक स्ट्रॉ की हेल्प से मैंने 2 बड़े व्हील्स को आपस में ज्वाइन कर दिया है। देन बारी आती है फ्रंट वाले व्हील की, एंड उसके लिए मैंने ऐसे पेपर स्ट्रॉ को बीच में से एक बार फोल्ड कर दिया है सो दैट इसमें ही अच्छे से इंसर्ट हो जाए, एंड इसको हम कुछ इस तरीके से लगाना है। पर जैसे कि आप देख ही सकते हो वो स्ट्रॉ काफ़ी छोटी हो गई है फोल्ड होने के बाद, तो हमें इसके अंदर और भी एक लॉन्ग स्ट्रॉ इंसर्ट करनी पड़ेगी अपने रिक्वायर्ड साइज़ के अकॉर्डिंग, जो हमें लास्ट वाले 2 व्हील्स तक पहुंचानी है सो दैट ये सब तीनों चीज़ें जो हैं तीनों व्हील्स हैं आपस में अच्छे से ज्वाइन हो जाए। तो यहाँ पर आप कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू यूज़ कर सकते हो, हॉट ग्लू गन आपके पास है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू जैसे सिलिकन ग्लू हो गई या फिर फेविक्विक हो गई, बट हाँ फेविक्विक को बड़े ध्यान से यूज़ करना। एंड यहाँ पर मैंने हॉट ग्लू गन ही यूज़ की है, एंड B7000 एक ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्लू है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। सो तीनों व्हील्स एंड हमारे पेन होल्डर को ज्वाइन करने के बाद हमें लगाना है इसका आगे वाला हैंडल, जिसके लिए मैंने आगे वाले हैंडल में एक पहले होल कर दिया था जिसमें मैंने लंबी वाली स्ट्रो को इंसर्ट कर दिया एंड अच्छे से देन इसको पेस्ट कर दिया। एंड हमारी ब्यूटीफुल सी साइकिल रेडी है। एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट उन्हें भी हेल्प हो। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।